फ्रेंड्स, मैं दीपक आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे रियल टेक्नोलॉजी चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक नॉलेज एंड कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, जिससे आप एक प्रॉपर तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर एंड दूसरा होता है पोलराइजर कैपेसिटर। ठीक है, एक नॉन पोलराइजर कैपेसिटर होता है और एक पोलराइजर कैपेसिटर होता है। ठीक है, पोलराइजर कैपेसिटर में इसका इस तरीके से होता है, ठीक है, प्लस एंड माइनस, ये सिर्फ ब्लैक होता है और ये सिल्वर का होता है। ठीक है, और एक कैपेसिटर इस टाइप का होता है जिसमें ये सिरा येलो होता है और ऊपर का सिरा ब्राउन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये पोलराइजर कैपेसिटर अधिकतर, ये देख सकते हो आप, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड सिल्वर इस तरीके का जो ये निशान होता है, ये माइनस का होता है, ये बाकी ब्लैक जितना भी होता है प्लस का होता है। ठीक है, ये मदरबोर्ड में, इसमें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में यूज होता है, मोबाइल में इनका किसी प्रकार का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, ये पोलराइजर कैपेसिटर होते हैं और इनको आयरन से सोल्ड किया जाता है। ठीक है, नॉन पोलराइजर कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर सिल्वर लाइन होती है, इधर सिल्वर लाइन होती है। ठीक है, सिल्वर लाइन दोनों साइड, ठीक है, टू साइड सिल्वर लाइन, एक ब्राउन कलर का होता है, बीच में ब्राउन होता है और दोनों साइड सिल्वर लाइन, और एक ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और दोनों साइड सिल्वर लाइन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको मोबाइल की पीसी में बताना चाहता हूँ थोड़ा नज़दीक से, ये देखिए आप, ये ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैपेसिटर, इसके दोनों साइड आपको सिल्वर लाइन एंड ये देखो ये ब्राउन कलर के, ये दो कैपेसिटर, दोनों के साइड में सिल्वर लाइन और बीच में ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं और ये SMD कंपोनेंट होते हैं जो कि हीट मशीन के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इनको हम आयरन से निकाल कर नहीं लगा सकते, इनको हीटिंग के द्वारा ही निकाला जाता है, हीटिंग के द्वारा ही इनको लगा जाता है। बल्कि इनके जो कि कंप्यूटर की PCB में यूज होते हैं, इनको क्या क्या किया जाता है, इनको आयरन बेस के द्वारा, आप पीछे देख सकते हो, आयरन बेस के द्वारा इनको लगाया जाता है एंड निकाला जाता है। ठीक है, इस दो प्रकार के ये कैपेसिटर्स होते हैं मोबाइल में और इनके यूज़ एंड वर्किंग के बारे में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज बताऊंगा, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में, जैसे कि कैपेसिटर की जो यूनिट होती है जिसमें इसको नापा जाता है वो फैरेड होती है। ठीक है, फैरेड, ठीक है, एक माइक्रो फैरेड, ठीक है, जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, एक नैनो फैरेड, ठीक है, NF, ठीक है, एक पीको फैरेड, ठीक है, PF, इस यूनिट में इसको यूज़ किया जाता है। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है ये मोबाइल में मोस्टली इन दोनों कैपेसिटर्स का आपको पूरे मदरबोर्ड में आपको यूज़ मिलेगा और इसको पैरेलल कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस, और बाकी सीरीज कनेक्शन होता है जो वो एक सीरीज में होता है, जैसे प्लस तो प्लस, उनको दोनों में प्लस किया जाता है, और इसका कोई भी सिरा ना प्लस होता है ना माइनस होता है। नॉन पोलराइजर कैपेसिटर में, जो मदरबोर्ड में मोबाइल में यूज़ किया जाता है, इसका कोई भी प्लस माइनस का सिरा नहीं होता है। हाँ, हालांकि इसका प्लस माइनस का सिरा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाकी जो ब्राउन ब्राउन साइड थी वो प्लस थी और जो बाकी वो साइड थी वो माइनस थी। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, मोबाइल में इनका यूज़ किया जाता है। तो इसकी वर्किंग होती है, वर्किंग, ठीक है, कैपेसिटर की, ठीक है, ये चार्जिंग को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, अपने अंदर रोकता है। ठीक है, डीसी को रोकता है, जो डीसी वोल्टेज होती है, डायरेक्ट करंट होता है उसको रोकता है, और एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट को ये पास करता है। ठीक है, थर्ड होता है कि ये हमारी जो भी वोल्टेज होती है, वोल्टेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है,
चेंज होता है उसका विरोध करता है, ठीक है। और ये हमारे सिग्नल को फिल्टर करता है, इसका सिग्नल को फिल्टर करता है, ठीक है। इनका यूज़ मोबाइल के नेटवर्क सिरे में, ठीक है, चार्जिंग सिरे में, ठीक है, डिस्प्ले सेक्शन में, ठीक है, और सीपीयू सेक्शन में, पावर सेक्शन में, हर जगह पर मदरबोर्ड पर इनका यूज़ मोस्टली किया जाता है, ठीक है। ये तो थी इसकी वर्किंग। अब हम देखते हैं कि दोस्तों इनको चेक किया कैसे किया जाए, इनकी ओके कंडीशन क्या है। ओके कंडीशन की टेस्टिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम पोलराइजर कैपेसिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया पोलराइजर कैपेसिटर ये मदरबोर्ड में कंप्यूटर में यूज होते हैं, ठीक है। इनकी टेस्टिंग को हम 20 ओम रेंज में मल्टीमीटर को सेट करते हैं, दैट मीन्स ओम रेंज, ठीक है। और ये जो डॉट का निशान है इसको हमको इधर लाना पड़ता है, इस साइड लाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखो इसको ढंग से, ओम रेंज है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20K पर सेट करते हैं, ठीक है। 20K पर सेट करते हैं। अगर दोनों साइड कुछ वैल्यू देकर, ठीक है, एक पर आ जाए, यानी कि ओपन में आ जाए, एक को हम ओपन भी बोलते हैं, तो वो ओके कंडीशन में है। इसी प्रकार से नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें नो वैल्यू दोनों साइड से, अगर नहीं कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो ये ओके कंडीशन में माना जाता है। इसी के विपरीत अगर इसको फॉल्टी कंडीशन में लिया जाए तो 20K ओम की रेंज में अगर पोलराइज्ड कैपेसिटर दोनों साइड वैल्यू देकर रुक जाता है एक जगह पर, या फिर वैल्यू देता है और जीरो आता है बिल्कुल, तो ये फॉल्टी कंडीशन माना जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, अगर ये वैल्यू देता है और जीरो आता है तो ये फॉल्टी है, और ये वैल्यू देकर ओपन कंडीशन में आ जाता है तो ये ओके कंडीशन में है। इसी प्रकार से नो वैल्यू नॉन पोलराइज कैपेसिटर कोई वैल्यू नहीं देता है, और इसको कॉन्टिन्यूटी पॉइंट में, इसको 20K में चेक नहीं किया जाता, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट, इसको हम बीप रेंज भी बोलते हैं, इसको हम बजर रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, दैट मीन्स बजर रेंज, ठीक है। इसको हमें यहाँ लगाना होता है, ठीक है, ये बजर रेंज होती है, ठीक है। इस बजर रेंज पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं देता है तो हमारा कैपेसिटर ओके है, और बजर रेंज पर अगर ये वैल्यू देता है या दोनों साइड से बीप देता है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्टी कंडीशन में है, ठीक है, फॉल्टी कंडीशन में होता है। अब मैं आपको कुछ इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर तो हमारे कंप्यूटर में होता है, इसको क्या है, हम बीप रेंज में कॉन्टिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं, इसको बजर रेंज भी बोलते हैं, इसको बीप रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको इस पर चेक करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर को, ठीक है। जब बीप देता है ग्राउंड से मिलने पर, तो हम देखते हैं ये हमारा, ये देखिए आप, ठीक है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम दोनों साइड से देखेंगे तो ये कोई वैल्यू नहीं देना जाता है, देनी चाहिए, पर आप कहोगे कि ये एक साइड से वैल्यू नहीं दे रहा है और एक साइड से वैल्यू दे रहा है। बट दोस्तों इसकी ओके टेस्टिंग जब ही हो पाएगी, आप मीटर में देख सकते हो वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये इसकी ओके टेस्टिंग जब होगी, जब इसको बाहर निकाल के आप दोनों साइड से चेक करोगे तो ये किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन मैं आपको एक इजी मैटर देता हूँ, जिसमें क्या है, मोबाइल टेक्नीशियन इंजीनियर्स सब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बजर रेंज में सेट करके, ठीक है, बजर रेंज में इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो रेड सिरा होता है इसको तो कर देते हैं ग्राउंड, ग्राउंड कहीं भी कर सकते हो आप, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ये जो लाइन आपको गोल्ड कलर की दिख रही है सारी ग्राउंड होती है, ठीक है। इस ग्राउंड लाइन पे लगाने पर देखो दोनों साइड से बीपर ये, तो ग्राउंड पे रेड प्रोब को धरते हैं और एक सिरे पर वैल्यू देना चाहिए और एक साइड पे बीप देना चाहिए। आप देख रहे हो एक साइड वैल्यू दे रहा है, एक साइड बीप दे रहा है, दैट मीन्स
हमारा जो कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, वो ओके कंडीशन में है, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो ब्राउन कलर के मैं आपको चेक करता हूँ, एक साइड वैल्यू एक साइड बीप, एक साइड वैल्यू एक साइड बीप। अगर ये दोनों साइड से भी बीप देते हैं तो ये फॉल्टी कंडीशन में माने जाते हैं, ठीक है। वैसे इसकी ओको टेस्टिंग इसको बाहर निकाल कर ही किया जाता है। तो आपने देखा होगा ये बजर रेंज है, ये ओम रेंज है, मैंने आपको मीटर की वो देखा है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। और ये वोल्ट रेंज है डीसी की वोल्टेज को, और ये डीसी को रोकता है और एसी को अपने अंदर से पास करता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको पैरेलल कनेक्शन में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये डीसी वोल्टेज का विरोध करता है। अगर मान लो हम इसको प्लस में ही, प्लस प्लस में ही दोनों सिरे से इस तरीके से लगा देंगे तो ये डीसी को पूरी तरीके से इस साइड से ब्लॉक कर देगा और अपने अंदर से आगे पास नहीं होने देगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस एक अल्टरनेटिव उससे लगाते हैं, जिससे कि प्लस सिरा इधर और माइनस सिरा इधर दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये तो सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, और ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। इसको पैरेलल कनेक्शन भी होता है। इन दोनों के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको आपको कंप्लीटली उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर में कुछ सिंबल्स होते हैं, मोबाइल के डायग्राम के बारे में जब आपको मैं वीडियो बताऊंगा उसमें पता चलेगा। इन सिंबल से इनको मोबाइल डायग्राम में पता किया जाता है कि इस कैप उसमें डायग्राम में हमको ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये कैपेसिटर है, ये वो है, ये वो, सिंबल से हमको जानना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट लगा है। तो इसके सिंबल कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको मैं नज़दीक से जूम कर कर दिखाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, सिंबल होता है इसका पहला, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा सिंबल है इसका, ठीक है, ठीक है। इस इन प्रकार के सिंबल आपको उसमें मिलेंगे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ठीक है। और पोलराइज कैपेसिटर की भी मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा जब मैं आपके कंप्यूटर क्लास की कोचिंग चलाऊंगा। वैसे 3 to 4th मंथ मोबाइल का कोर्स चलेगा, उसमें आपको रियल कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी और आप एक मोबाइल के अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे और रियल में आप टेक्नीशियन बन सकते हैं और रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको एक डेनोटिंग लेटर, ठीक है, या तो आप सिंबल से उसको पता कि ये डेनोटिंग लेटर है, डेनोटिंग लेटर इसका सी होता है, ठीक है। सी कहीं पर भी डायग्राम में लिखा है, ठीक है, दैट मीन्स वहां पर कैपेसिटर यूज किया गया है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इनको हम SMD कंपोनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सब कंपोनेंट SMD से ही निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो कॉइल हुई, ये अपना कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर हुआ, ये रेजिस्टेंस हुए, ये सब क्या होता है, SMD कंपोनेंट होते हैं। ये ICs हुई, ये सब क्या, IC, ये सब कंपोनेंट SMD के थ्रू निकाल जाते हैं। इनको इस तरीके से हम SMD कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरीके से मेरे वीडियो पर जुड़े रहना क्योंकि मैं आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे देता रहूँगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का इस कैपेसिटर के ऊपर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, मैं आपके डाउट को जरूर पूरा करूँगा। और आपको किसी भी आधार पर, मोबाइल के बेसिक पर या रिपेयरिंग पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। अगर आपके कमेंट बॉक्स पर ज़्यादा, जितने ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, ठीक है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।